अरे सेल्फी यार, ऐसा काम यार, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि भैया सोनू प्रतीक बने उन बच्चों का, पर अकेले इन्हीं की समतला में सोनू के एडमिशन के प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सिमुट सिमुट डला का सोनू रे हाथ हटो, हम पूछ सकते हैं अपनी बातों को रखा, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है, क्यों एक छोटे से 11 साल 12 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने आकर इस तरीके की गुहार लगानी पड़ी। शिक्षा मंत्री खुद आते तो संभवतः चीज़ें बेहतर होती। अभी पूरे गाँव हम लोग घूमे, अगल बगल में यहाँ पासवान नगर भी है, वहाँ पर भी हम लोग गए जहाँ पर सोनू पढ़ाने जाता है, वहाँ पर शिक्षा के इतने बुरे हाल हैं, वहाँ के इस ग्रामीण शिक्षा को लेकर शिकायत कर रहे हैं। और ये सारी बातें सोचिए, मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में, जहाँ से यहीं से अब मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका अपना गांव है, 2 किलोमीटर के रेडियस के गांव में अगर इस तरीके की व्यवस्था चल रही है तो बाकी के प्रदेशों में क्या हाल हो रहा होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रे बच्चा हटो हटो हटो, एक मिनट भैया रहा है, बस रुकिए ना एक मिनट। चिराग जी इधर इधर इधर, चिराग जी इधर 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 इधर, रे हाथ हटो, हम पूछ सकते हैं सोनू से मदद मांगने आए हैं। आगे से हटो ना यार, आगे से हटो ना, तू लोग भैया इधर 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 इधर।